नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग आईटीआई पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल में जीके का बात आज करने वाले हैं। जीके में नागरिक शास्त्र जो है, सिविक्स आपका हो जाता है, सिविक्स को उठाए हैं। और सिविक्स में हम लोग जो है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आईटीआई और पारा मेडिकल में। तो सिविक्स या नागरिक शास्त्र का अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें देखें क्या होता है। इसमें होता है संसद। संसद का जब हम बात करते हैं तो संसद में आपका हो जाता है क्या, संसद को तीन भाग में हम बांट रहे हैं। संसद को हम तीन भाग में बांट रहे हैं, और संसद को अगर हम तीन भाग में बांटते हैं तो एक को बोलते हैं राज्यसभा, और इसको अगला पार्ट को बोलते हैं हम लोग, इसको इस संसद जो होता है पार्लियामेंट, इसका तीन अंग होता है। एक हो जाता है राज्यसभा, एक हो जाता है आपका लोकसभा, और एक हो जाता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो इस प्रकार से जो है कि संसद का कितना अंग है, तो अंग जब पूछता है तो अंग हो जाता है एक, दो और तीन। कहने का मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का तीन अंग होता है। अगर घर का बात करें कि कितना हाउस होता है, तो हाउस होता है। सदन का बात करें तो पॉलिटी के भाषा में हाउस को ही सदन कहा जाता है। तो सदन, संसद का दो सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अगर अंग का बात करें तो अंग आपका हो जाता है तीन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीन होता है। अब हम लोग अगर राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा को कुछ कुछ जो है नाम दिया जाता है। जैसे राज्यसभा को कहा जाता है, जैसे इसको कहा जाता है उच्च सदन, इसको कहा जाता है उच्च सदन। सदन का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि घर होता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें लोकसभा को, तो इसको राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है निम्न सदन कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये हो गया उच्च सदन, ये हो गया निम्न सदन। और राष्ट्रपति तो सिंगल है, उसको तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक जो है की संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा, इसको प्रथम नागरिक कहा जाता है, राष्ट्रपति को। उसके बाद जो है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और इसको कहा जाता है अस्थाई सदन। अस्थाई सदन। उसके बाद हम लोग इसका बात करें तो इसको कहा जाता है अस्थाई सदन। अस्थाई सदन कहा जाता है। और हम लोग इसका बात करें तो राज्यसभा में टोटल जो सदस्य होते हैं, टोटल जो मेंबर होते हैं, वो कितने होते हैं राज्यसभा में? तो राज्यसभा में होते हैं 250। और अगर लोकसभा के सदस्य का बात करें तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, ये होते हैं 552। और राष्ट्रपति एक होता है। याद रखिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है, 250। उसके बाद अगर लोकसभा का बात करें तो लोकसभा में होता है 552 होता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि 250 सदस्य इसमें होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो इस पर चुनाव होता है, जैसे जिस प्रकार से होता है, तो वो आपका 245 ही होता है। लेकिन 505 जो घट रहा है वो जम्मू कश्मीर का पीओके के लिए छोड़ा गया है। और इसका अगर हम बात करें तो ये भी 545 सदस्यों का जो है कि निर्वाचन होके, और इसमें कुछ नियुक्ति होता है, चर्चा आगे करेंगे, तो 545 ही वर्तमान समय में होते हैं। लेकिन 552 मैक्सिमम हुआ, लेकिन होते 545 ही है। उसके बाद जो है कि देखिए आगे क्या होता है कि इसमें से 545 में से 12 सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिसको राष्ट्रपति के द्वारा इस 12 सदस्यों को, इसमें से 245 में से 12 ऐसे सदस्य हैं जिसको राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति का मतलब हुआ कि किसी को नियुक्त करना। निर्वाचन का मतलब होता है किसी को वोटिंग देके चुनना, लेकिन नियुक्ति का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट, बिना किसी वोटिंग को डायरेक्ट चुन जाना। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो होता है 545 लोकसभा में, इसमें दो सदस्य ऐसे होते हैं जिसको राष्ट्रपति के द्वारा अंग्लो इंडिया, जो अंग्रेज
इंडिया में बस गया उसको हम लोग एंग्लो इंडिया कहते हैं। तो दो जो सदस्य होता है इसमें से 245 में से दो सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है वो होते हैं एंग्लो इंडिया। उस इस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा जो यहाँ 12 आदमी को चुने जाते हैं और यहाँ दो आदमी को जो चुने जाते हैं ये नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये 12 आदमी को जो चुने जाते हैं तो इसमें इसका होता है साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, इस क्षेत्र से व्यक्ति का संबंध होना चाहिए। इस 12 में से उसी व्यक्ति को इस राज्यसभा घर के लिए 12 सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट रूप से किया जाता है। क्या क्या बोले, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र में उसका ज्ञान होना चाहिए या उस क्षेत्र से व्यक्ति होना चाहिए जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को चुना जाता है, उसको गुण होना चाहिए साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में। ये दो व्यक्ति वे होते हैं जो व्यक्ति की एंग्लो इंडिया हो, अंग्रेज हो लेकिन भारत में बसा हो, उसके लिए संविधान में लिखा गया है कि उस व्यक्ति को राष्ट्रपति डायरेक्ट रूप से बिना किसी निर्वाचन में जीते हुए डायरेक्ट रूप से उसे नियुक्ति कर दिया जाएगा। अब हम लोग जब आगे बात करते हैं, ये तो 12 हो गया, ये दो हो गया, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो सदस्य की आयु मिनिमम कितना आयु होगा। जो आप लोग हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए कितने निम्नतम आयु सीमा होनी चाहिए, तो ये होता है राज्यसभा के लिए हो जाता है 30 वर्ष। 30 वर्ष होता है जिसको कहा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए कितना, 30। अगर लोकसभा का बात करें तो लोकसभा में हो जाता है 25 साल। 25 वर्ष के जब तक आप नहीं होइएगा तब तक आप लोकसभा का चुनाव नहीं जीत चुनाव में मतलब कि हो सकते हैं, चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं जब तक आप 25 वर्ष का नहीं हुए हैं। अगर राष्ट्रपति का चुनाव का बात कहा जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव आप तब लड़ सकते हैं जब आपकी उम्र जो है 35 वर्ष है या उससे अधिक है, लेकिन मिनिमम ये हुआ, मैक्सिमम का कोई सीमा संविधान में नहीं किया गया है कि कितना अधिक। जब तक मृत्यु नहीं होता है तब तक जो है आप राज्यसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज का बात करें तो मिनिमम एज हो जाता है 30 साल, 25 साल और 35 साल की उम्र में आप चुनाव जीत सकते हैं, उससे कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये हो गया उम्र सीमा। अब होगा कि राज्यसभा के सदस्य बन जब चुके हैं आप, तो आप कितना दिन तक उसमें कार्य कीजिएगा। तो अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो उसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये राज्यसभा का कार्यकाल। अगर बात करें लोकसभा का कार्यकाल का, तो रोज लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। इसका कार्यकाल कितना साल का होता है, 5 साल का होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो राष्ट्रपति भी अगर कोई बनता है तो वो 5 वर्ष ही कार्यकाल करते हैं, फिर से चुनाव जीतिए, फिर से आपको राष्ट्रपति बनना है, लोकसभा सदस्य बनना है, राज्यसभा। लेकिन आपका जो है कि एक बार बनिएगा तो आप 6 साल मैक्सिमम रह सकते हैं, मिनिमम जो है कि आप बहुत प्रकार से हट सकते हैं, इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और लोकसभा में भी जो है 5 साल का होता है लेकिन आप 5 साल से पहले भी हट सकते हैं, और राष्ट्रपति जो है कि 5 साल का होता है लेकिन 5 साल से पहले भी हट सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 साल, 5 साल और 5 साल रहता है। आगे जब हम लोग बात करते हैं तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं राज्यसभा में, सभी व्यक्तियों को जो है कि अस्थाई रहता है, लेकिन लोकसभा के जो जितने भी सदस्य हैं 545 हैं ये अस्थाई रहते हैं, ये कभी भी हट सकते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करे, अगर जिसकी सत्ता है बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, किसी का सत्ता रहे, अगर उसका सत्ता में पार्टी जो है की जो बहुलता थी वो घट जाता है, जिससे कि राजनीतिक जो पार्टी होती है उसकी जो सत्ता होता है गिरने के कारण जो है उसको 5 वर्ष पूर्ण से पहले भी उसको जो है कि पद को त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि उसका अविश्वास प्रस्ताव, उसकी सरकार जो थी उसका अविश्वास प्रस्ताव हो गया,
वो अब बहुमत में नहीं रहा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है वो मात्र 14 दिन में भी गिर गई थी। तो इस प्रकार से जो है कि जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष के लिए कोई लोकसभा का सदस्य बना तो 5 साल रहेगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग चर्चा आगे करते हैं कि जितने भी पार्टी होते हैं उसके जो मंत्री होते हैं, केंद्र के जितने भी मंत्री होते हैं, केंद्र के जितने भी मंत्री होते हैं सभी लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो याद रखिएगा कि आपको बताएं कि लोकसभा के प्रति जितने भी मंत्री होते हैं सारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन राज्यसभा से भी बन सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रखिएगा कि जितने भी मंत्रिमंडल है सभी जो है लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, लेकिन राज्यसभा से भी बन सकते हैं। लेकिन अधिक अधिक से अधिक मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जितने भी मंत्री होते हैं वो अधिक से अधिक जो है, याद रखिएगा कि टोटल सदस्यों का मात्र 15% ही मंत्रिमंडल बन सकते हैं। कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं सभी ये लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसके 15% ही सदस्य बन सकते हैं, जो कैबिनेट का मंत्री होगा उससे अधिक मंत्री नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो देखिए आगे क्या होता है कि आपका जो है कि यहाँ हो जाता है संसद, यहाँ होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे देखिए राज्यसभा में जितने भी आदमी थे 250, ये सभी व्यक्ति जो है, ये सभी व्यक्ति इसमें से 12 माइनस कर दीजिएगा तो आपका जो जो भी हो जाता है 12 माइनस करने के बाद तो हो जाता है आपका कितना, 8 × 2 = 10 हो गया, फिर बचा यहाँ 4 238, क्योंकि 12 को राष्ट्रपति चुनता है वो किस क्षेत्र से, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से। अब जो बच गया 238 आदमी जो है कैसे चुना जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा आईटीआई या पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल में कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है कैसे होता है, कौन इसका वोट देता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो होता है विधायकों के द्वारा, उसमें विधायक लोग जिसको हम लोग एमएलए बोलते हैं तो एमएलए लोग ही उसमें वोट डालते हैं, आम आदमी वोट नहीं डालते हैं। याद रखिएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव जो में वोट डालते हैं वो विधायकों के द्वारा, एमएलए के द्वारा चुना जाता है। अब बात करेंगे कि लोकसभा, इसलिए याद रखिएगा जो विधायकों के सदस्य मतलब राज्य के जो सदस्य के द्वारा चुना जाता है इसलिए उसका नाम राज्यसभा भी रखा गया। अगर लोकसभा का बात करेंगे हम लोग तो देखिए लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में जो हम आपको कितना बताया 550 आदमी, 552 आदमी, 552 में से -2 किया क्योंकि ये क्यों ना ये एंग्लो इंडिया हो जाता है, एंग्लो इंडिया तो बचा कितना 550, 550 पूछेगा लोकसभा का सदस्य जो होते हैं 550 आदमी उसको कैसे चुने जाते हैं बताइए, उसका निर्वाचन कैसे होता, तो इसमें वोट कौन डालते हैं, तो इसमें वोट डालते हैं आम आदमी मतलब कि जितना भी 18 साल के बाद वयस्क मताधिकारी है जिसको वोट डालने का अधिकार है, तो वह सभी व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों को वोट डालते हैं। याद रखिएगा इसका आम आदमी वोट डालता है, इसका वोट सिर्फ सिर्फ विधायक द्वारा, इसका एमएलए द्वारा इसका वोटिंग होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव का, कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति का जब चुनने का बात करेगा फिर तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर हम लोग वोटिंग का बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है मतलब राष्ट्रपति को चुनाव दे के जीता जाता है। अगर हम लोग राष्ट्रपति को हटा दें कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का बात करें तो उसमें थोड़ा सा रुकिए, पहले राष्ट्रपति का क्लियर कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं देखिए कौन डालते हैं, ये लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य नहीं, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया था वो व्यक्ति को छोड़ के, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया था वो व्यक्ति को छोड़ के, और एक होता है जिसको हम लोग विधायक बोलते हैं, तो उस सभा जिसमें विधायक रहता है
जिस प्रकार से यहाँ पढ़ा रहे हैं उस प्रकार से हम आपको आगे पढ़ाएंगे। विधान मंडल होता है, उसका भी तीन अंग होता है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तो उसमें एक विधानसभा घर होता है जिसमें विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उसके सदस्य। तो हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालते हैं वो कौन कौन व्यक्ति वोट डालते हैं आपसे पूछेगा, तो आप बोलिएगा कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, अगर कुल बोलिएगा तो कुल में ये भी आ जाएगा ना 12 और 2, लेकिन उसको नहीं बोलना है। ये बोलना है कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि इसका तो नियुक्ति हुआ था 12 और 2 का, तो उसको हटा देना। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के कौन सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते। अब राष्ट्रपति का चुनाव का वोट भी होता है तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक होता है, मतलब हम लोग जो वोट डालते हैं वैसा वोट नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय अनुपातिक, उसका वोट डालने का स्टाइल ही अलग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप वोट डालने जाइएगा तो उसमें आपको बता दें कि जितना उम्मीदवार होता है, जैसे हम लोग अगर मुखिया का चुनाव का बात करें तो मुखिया के चुनाव में हम लोग जाते हैं किसी एक आदमी को वोट देते हैं, मोहर मार देते हैं, फिर चले आते हैं, तो सिर्फ एक आदमी को वोट देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जब हम लोग वोट डालने जाते हैं, जो भी डालने जाएगा, तो हम लोग तो नहीं जा सकते राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही वोट डालने जाते हैं। जो वो लोग वोट डालने जाते हैं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि वो लोग वोट तो डालने जाएंगे लेकिन वो सबको वोट देंगे, ये बात हो जाता है कि ये लोग जितना सबको वोट देंगे, मतलब जितना उम्मीदवार है राष्ट्रपति के लिए जब चुनाव होगा तो एक उम्मीदवार नहीं होगा, सब पार्टी का अलग अलग उम्मीदवार होगा, कांग्रेस का अलग होगा, बीजेपी का अलग होगा और जदयू का अलग होगा, मान लीजिए सबका अलग अलग, मान लीजिए 5 पार्टी हो गया तो 5 पार्टी अलग अलग होगा। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, को 5 पार्टी में अगर चुनाव का बात है तो 5 को वोट देना पड़ता है, ऐसा बात होता है, लेकिन उसमें चॉइस करना पड़ता है। तो एक मिनट हम आपको समझा देते हैं थोड़ा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का अगर चुनाव का बात करें तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का अगर चुनाव का बात करें तो ये चुनाव जो है कैसे होता है इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें। मान लीजिए कोई आदमी एक है जिसका नाम है राम, राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति का मतलब बनने के लिए उम्मीदवार है, जिसका नाम है क्या, राम कुमार। दूसरा का नाम लीजिए क्या, सीता, ये उम्मीदवार है। तीसरा का क्या नाम ले लीजिए, मोहन ले लीजिए, मोहन ले, ये सब आदमी उम्मीदवार है। और कोई व्यक्ति गया वोट डालने के लिए, और जो भी जाएगा वो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य जाएगा वोट डालने के राष्ट्रपति का। इसमें एकल संक्रमणीय अनुपातिक क्या होता है, तो देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए कि आपके क्षेत्र के जो एमएलए हैं वो वोट डालने गए, विधायक वोट डालने गए राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें सबको वोट देना, जैसे राम है, सीता है, मोहन, तीनों वोट देना। लेकिन हमारा चॉइस, पहला चॉइस क्या है, तो पहला चॉइस है क्या, सीता बन जाना चाहिए, तो सीता को 1 नंबर दे दिए। दूसरा में होता है राम को बनना, तो राम को 2 नंबर दे दिए। तीसरा में मोहन को बनाना, तो मोहन को 3 नंबर दे दिए। अब मान लीजिए दूसरे एरिया का एमपी गया वोट देने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हिंदी में कहते हैं लोकसभा का सदस्य, वो गया वोट, उसका मन हुआ क्या, नहीं मोहन को 1 नंबर हम चुनेंगे, इसको 2 नंबर चुनेंगे, इसको 3 नंबर चुनेंगे, यह हो गया। अब तीसरा विधायक गया तीसरा एरिया से वोट डालने के लिए, तो वो क्या किया, वो जो है सीता महिला है इसी को चुन लिया, उसके बाद 2 नंबर में इसको और 3 नंबर में इसको चुन लिया। अब वोट जो है मान लीजिए इतना ठोक गिर गया, अब इसका काउंटिंग होगा, तो काउंटिंग होगा, देखेगा सीता को 1 नंबर में कितना बार चुना गया है, तो 2 बार चुना गया है, तो ये आदमी 2 बार 1 नंबर में चुना गया है, ये आदमी का क्या, ये सीता की क्या हो गया, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जीत गई। अब बात कीजिएगा, आपका क्वेश्चन होगा यहाँ की सर बराबर भी हो सकता है, देखिए बराबर अगर हो जाएगा तो सेकंड चॉइस देखेंगे, सेकंड चॉइस का गिनती करेंगे। तो याद रखिएगा ऐसा हुआ है, जो वोट क्या हुआ है कि इसका भी एक एक पहला चुना गया बराबर है, दूसरा का भी ऐसा हुआ था, तो ऐसा हुआ है, तो दूसरा नंबर में चॉइस करने वाला जब गिन लेंगे तब इसे पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति जीत रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
ये हो गया आपका राष्ट्रपति का चुनाव में वोट कौन कौन डालते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें, फिर से अगर हम लोग ये शपथ पत्र से क्वेश्चन बराबर 100% शपथ मतलब कौन किसको शपथ दिलाता है क्वेश्चन, देखिए ज्यादा झंझट नहीं है इसमें। अब बात करते हैं हम लोग लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, तो लोकसभा में क्या क्या होता है, लोकसभा में जितने भी सदस्य थे आपका 552 आदमी, इस सारा का क्या होगा, इस घर को चलाने, आपके घर को चलाने के लिए एक मुखिया होता है, हर चीज को चलाने के लिए हर जगह होता है, एक पंचायत को चलाने के लिए मुखिया होता है, आपके घर चलाने के लिए आपके पिताजी आपके घर के मुखिया है। इसी प्रकार से अगर लोकसभा का बात करें फिर, तो लोकसभा में इतना आदमी को चलाने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है। ये हो गया कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर हम लोग बात करें कि अफसर अध्यक्ष है, अब अध्यक्ष नहीं है, चल गई तबीयत खराब हो गया, तब क्या होगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष चली गई तो कोई बात नहीं, चला गया तो कोई बात नहीं है, उसके लिए अब एक क्या होगा, उपाध्यक्ष भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उपाध्यक्ष भी कहते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। अब इसका भी, इसमें भी बोलेगा कि 250 आदमी था, इसको भी चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर इस घर को चलाने के लिए, तो इस व्यक्ति देखिए, इसको भी अध्यक्ष बोलिएगा, इसको भी अध्यक्ष बोलिएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये जरूर याद रखिए, अध्यक्ष भी पूछता है जो हमें स्पीकर भी पूछ लेता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, स्पीकर उसी को कहते हैं, अध्यक्ष उसी को कहते हैं। अगर इसको भी अध्यक्ष बोलिएगा, इसके सदस्य को भी अध्यक्ष बोलिएगा, तो क्या हो जाएगा, तब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए क्या किया कि इस राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, जो मेन राज्यसभा को चलाने वाला, उसको बोलते हैं पदेन सभापति, उसको क्या बोलते हैं, पदेन सभापति। और अब बोलेगा इसका इसका एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में एक पदेन सभापति, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा उपपदेन सभापति, क्या होगा, उपपदेन सभापति होगा। याद रखिएगा कि इसमें एक क्या होता है, पदेन सभापति, एक होता है उपपद, मतलब इससे कम, उप लग गया मतलब उससे कम पावर का आदमी हो गया, या अध्यक्ष उपाध्यक्ष मतलब ई नहीं है, तो जैसे मुखिया उप मुखिया, मतलब मुखिया जब नहीं है तो उप मुखिया कौन करेगा, यहाँ पे पदेन सभापति नहीं है, उपपदेन सभापति, अध्यक्ष में अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कौन करेगा, है कि बात सही, इस जैसे राष्ट्रपति नहीं है तो उसके जगह पे कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति कौन करेगा। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात हो जाता है, देखिए कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है फ्रेंड्स, जो पदेन सभापति होता है उसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। जैसे देखिए आपका कॉलेज में जब जाइएगा आपका नाम क्या होगा, मोहन सोहन जो भी हो, घर में जाइएगा क्या हो जाएगा, आपका नाम छोटू मोटू जो भी हो जाता है नाम, इस प्रकार से होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ भी ये पदेन सभापति यहाँ है, यही व्यक्ति को कहा जाता है उपराष्ट्रपति। आपसे पूछेगा उपराष्ट्रपति दूसरा नाम उसका क्या है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति को ही उपराष्ट्रपति कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है, जो कुछ भी मिलता है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन का बात कहिएगा तो 1 महीना का 5 लाख होता है, उपराष्ट्रपति का 1 महीना का 4 लाख होता है। उपराष्ट्रपति मान लीजिए मुखिया यहाँ है ये है, राष्ट्रपति है ये है, तो उपराष्ट्रपति तो नहीं रहेगा राष्ट्रपति, तब ना उपराष्ट्रपति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति जब है ये है तो उपराष्ट्रपति को बैठा के ना 4 लाख का महीना देंगे। तो इसलिए बोला गया उपराष्ट्रपति जी आपको उपराष्ट्रपति का पद तो है ये है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब ना आप कौन कीजिएगा, नहीं तो आप बैठे रहिएगा। इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप तब तक राज्यसभा का जो है उपपदेन सभापति का पद भी संभालिए, बड़ा फेरा वाला बात है। अब राज्यसभा का उपपदेन सभापति का जो कार्य होता है उपराष्ट्रपति जी वो भी देखिए और वो भी देखिए, क्योंकि आप जो राज्यसभा का पदेन सभापति होइएगा वही व्यक्ति क्या होइएगा उपराष्ट्रपति होइएगा, समझे फ्रेंड्स, तो यही बात होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वही व्यक्ति क्या होता है उपराष्ट्रपति होता है। तो जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति जब यहाँ से जाएगा उठ के यहाँ पे काम करने के लिए, तो ई उपपदेन सभापति यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तब ई उपपदेन सभापति काम करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो राज्यसभा का जो उपपदेन सभापति होता है वही व्यक्ति को क्या कहा जाता है उपराष्ट्रपति कहा जाता है, जिसका वेतन कितना रहता है 4 लाख प्रति मंथ रहता है,
और याद रखिएगा कि जब राज्यसभा का पदेन सभापति मतलब उपराष्ट्रपति जब यहाँ पे आएगा तो राष्ट्रपति को जो 5 लाख रुपया मिल रहा था, राष्ट्रपति को जितना भी चीज मिल रहा था सारा चीज मिलेगा किसको? उपराष्ट्रपति को। उसको टोटल मतलब सुविधा मिलेगा जितना किसको मिल रहा था, जितना मिल रहा था राष्ट्रपति को। तो नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे, तो चर्चा जो है हम लोग आगे भी करेंगे। डेली एक वीडियो आपका साइंस का भी बनेगा और हर चीज का बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का लड़का होंगे सबको शेयर कर दीजिएगा लिंक। और हर रोज जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, हर रोज आपको एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, जितना भी हो सके आपको है, क्योंकि तो लॉकडाउन की स्थिति है, ऑफलाइन सारा जगह क्लास बंद है, तो ऑनलाइन के माध्यम से ही हम आपको सारा वीडियो पढ़ा देंगे। और लाइव पे भी हम लोग जो है कि बहुत जल्दी आ जाएंगे, लाइव से पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग कॉमेंट भी कर सकें, सर इसको फिर से समझाइए, इसको फिर से समझाइए। तो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब कर ही लीजिए और दूसरे को भी शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार फ्रेंड्स।